सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य प्रत्येक एकादशी का व्रत नियम और श्रद्धा के साथ करता है, उसे इस संसार में सुखों की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। एकादशी के समान पापनाशक अन्य कोई व्रत नहीं है। जो लोग एकादशी व्रत करके रात्रि जागरण कर श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। प्रत्येक माह में दो एकादशी तिथि आती है। इस प्रकार से एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि होती है। अधिक मास या मल मास पड़ने पर इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी तिथि आरंभ समय 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को प्रातः 4:13 से। एकादशी तिथि समापन समय 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को रात्रि 2:13 पर। पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय प्रातः 7:34 पर। द्वादशी को व्रत पारण का समय 1 दिसंबर 2021 प्रातः 7:34 से 9:01 तक। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत से मिलने वाले फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ स्नान व दान आदि से मिलने वाले फलों से भी कहीं अधिक होते हैं। उपवास से मन निर्मल और शरीर स्वस्थ होता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि और उपवास दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। इसमें दशमी तिथि को सायंकाल भोजन करने के बाद अच्छे से साफ सफाई कर ले। रात को बिल्कुल भी भोजन ना करे। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करे। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान की पूजा करे और कथा सुने। इस दौरान पूरे दिन व्रति को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। रात में भजन कीर्तन करें और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराकर उचित दान दक्षिणा दे, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। कथा अनुसार सतयुग में मुरु नामक राक्षस ने एक समय देवताओं पर विजय हासिल कर इंद्र देवता को अपना बंधक बना लिया था। तभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भोलेनाथ ने देवताओं को विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद सभी देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने अन्य राक्षसों को तो परास्त कर दिया, लेकिन दैत्य मुरु वहां से भाग निकला। भगवान विष्णु मुरु दैत्य को भागता हुआ देखकर बद्री आश्रम की गुफा में विश्राम करने लगे। उसके बाद राक्षस मुरु जब विष्णु जी को मारने वहां पहुंचा, तो विष्णु जी के शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उस स्त्री ने मुरु दैत्य का अंत कर दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और आपका ही अंश हूँ।
इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान देते हुए कहा कि तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए लोग जो मुझसे विमुख हो गए हैं, उन्हें मुझ तक लाने में सक्षम रहोगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी रहेंगे। आपको बता दें कि आगे चलकर यही कन्या एकादशी कहलाने लगी। इसी कारण उत्पन्ना एकादशी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः आप भी पूर्ण विधि विधान से एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।